दोस्तों, अगर आप एक जियो रिटेलर हैं या जियो सिम एक्टिवेशन का काम करते हैं तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सभी रिटेलर भाइयों के लिए गवर्नमेंट का एक नई गाइडलाइन आई है जिसके अंदर सभी रिटेलरों को अपना एड्रेस अपडेट करना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप एड्रेस वगैरह अपडेट नहीं करेंगे तो आपका यहाँ पर सिम एक्टिवेशन अधिकार छीन लिया जा सकता है या जो आपकी आईडी वगैरह है वो भी बंद हो सकती है। तो अगर आप एक जियो पॉस लाइट रिटेलर हैं, जियो पॉस लाइट से रिचार्ज करते हैं या सिम एक्टिवेशन वगैरह का काम करते हैं तो आपको एड्रेस अपडेट करना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे रिटेलर भाइयों को इसका मैसेज भी आया होगा। आप देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पर मैसेज आ रहा है सभी रिटेलर को, और जिनमें उनको बताया जा रहा है प्रिय पार्टनर, गवर्नमेंट के निर्देशानुसार उनके सभी पार्टनर के निवास का पता हमारे सिस्टम में दर्ज करने हैं और उसके फिजिकल वेरिफिकेशन होना यानी कि ज़रूरी है और इसे ज़रूर करें। अब डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से पहले ही हो रहा था, लेकिन अब इन्होंने ऑनलाइन अपने आप कर सकते हैं आप एड्रेस अपडेट। अब अपडेट एड्रेस अपडेट करने के लिए नॉर्मल सा प्रोसेस है, आपको यहाँ पर लिंक दिया गया होगा। लिंक अगर आपके पास नहीं आया तो आपको मैं अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उस लिंक पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, जैसे कि यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये आपको डायरेक्ट व्हाट्सअप पर ले जाएगा। जी हाँ, व्हाट्सअप पर आपको रिडायरेक्ट कर देगा, और व्हाट्सअप पर रिडायरेक्ट हो जाने के बाद आपके सामने इस तरीके से ये वाला नंबर यानी कि ये वाला यहां पर नंबर आ जाएगा जहां पर जियो का ऑफिशियल ये सपोर्ट नंबर है। और सपोर्ट नंबर में आपको क्या करना है, यहां पर लिखना है अपडेट एड्रेस। जी हां, यहां पर अपडेट एड्रेस जैसे ही लिखेंगे आप तो इस तरीके से आपके सामने मैसेज आएगा, और उस एड्रेस अपडेट में ये कह रहा है कि आप या जब ये एड्रेस अपडेट कर रहे हों तो अपनी दुकान पर ही आपको मौजूद रहना है, अपने एरिया में ही मौजूद रहना है जब ये एड्रेस आप अपडेट करिएगा। और अपडेट करते वक्त अब नीचे कह रहा है कि आप अपनी एजेंट आईडी यहां पर एंटर करिए। एजेंट आईडी आपकी 076 से या 068 से शुरू हो रही होगी। 068 से सभी जियो पॉस प्लस वाले रिटेलरों की शुरू होती है, और 076 से सभी जियो पॉस लाइट रिटेलरों की आईडी वगैरह शुरू होती है। तो यहां पर आप अपनी PRM आईडी देख लेंगे, तो मेरे जियो पॉस प्लस की PRM आईडी ये है, तो मैं यहां से कॉपी करके वहां पेस्ट कर दूंगा। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने ये आईडी पेस्ट की तो मेरा यहाँ पर जो दुकान का नाम है वो लिखा हुआ आ गया, और अब यहाँ पर मुझे ये अपना एड्रेस वगैरह फिल करना है। तो यहाँ पर आप अपना हाउस नंबर डालिएगा, डन कर दीजिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर ये आपसे स्ट्रीट नेम का वगैरह पूछेगा कि कौन सा आपका मोहल्ला है, कौन सा आपका स्ट्रीट है, तो मैं स्ट्रीट नेम डाल दीजिएगा, मैंने स्ट्रीट नेम डाल दिया था। उसके बाद यहाँ पर ये नियर बाय लैंडमार्क पूछेगा, कोई दुकान है, मस्जिद है, कोई मंदिर है, तो वो यहाँ पर आप डाल दीजिएगा। जैसे ही डालेंगे अब यहाँ पर लास्ट स्टेप में आपके सामने आ जाएगा कि आपको अपनी लोकेशन शेयर करनी है। जी हाँ, करंट लोकेशन आपको शेयर करनी है। तो ये लोकेशन शेयर करने के लिए हम क्या करते हैं, अब उसके बाद यहाँ पर आप इस पर अटैचमेंट पे क्लिक करिए। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी लोकेशन का ऑप्शन आ जाता है, लोकेशन पर आप क्लिक करेंगे और उसे सेंड करेंगे तो आपके पास थैंक यू का मैसेज आ जाएगा, और आपका यहाँ पर यानी कि जो आपका अपडेट है, एड्रेस है, वो अपडेट हो जाएगा सिस्टम के अंदर कुछ ही घंटों के अंदर। तो इस तरीके से आपको अपडेट कर लेना है, जल्द से जल्द कर लीजिएगा, ये मैंडेटरी है और ज़रूरी है। जाते जाते वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।